विराट अनुष्का की सगाई की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। हालांकि अभी तक इस खबर की सच्चाई साबित नहीं हो पाई है, लेकिन जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उन्हें देखते हुए इस बात की संभावना ज्यादा हो रही है कि विराट अनुष्का इस बार सगाई कर ही लेंगे। दरअसल बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी जया बच्चन के साथ जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे। उनके साथ रिलायंस ग्रुप के अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी भी थे। एयरपोर्ट से वो सीधे आनंदा होटल के लिए चले गए। सूत्रों के मुताबिक अमिताभ और अंबानी परिवार 2 जनवरी तक नरेंद्रनगर में रहेंगे। बिग बी से जब पूछा गया कि क्या वो अनुष्का विराट की सगाई में शामिल होने वाले हैं, तो अमिताभ बिना कुछ कहे अपनी कार में बैठ गए। दोपहर 2 बजे वो होटल पहुंचे, जहां फूलों से इनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि अनुष्का और विराट को गुरुवार को शाही भोजन परोसा गया। दोनों अब तक कॉन्टिनेंटल और ओरिएंटल खाने का ही स्वाद ले रहे थे। दोनों ने सिरोधार स्पा का भी आनंद लिया। अनुष्का और विराट अपने नेचर विला हाउस से कुछ देर के लिए बाहर निकले। पहली बार रेस्टोरेंट में उनके लिए राजशाही खाना यानी बासमती और थाईलैंड का जैस्मिन चावल और विशेष शाही बिरयानी परोसी गई। होटल सूत्रों के मुताबिक शाम के समय सूर्यास्त देखने के लिए दोनों आधे घंटे तक परिसर में लगी बेंच पर बैठे। अनुष्का शर्मा के गुरु अनंत बाबा गुरुवार शाम एक गाड़ी में बैठकर आश्रम से रवाना हो गए। ये वही गाड़ी थी जिसमें 2 दिन पहले विराट कोहली और अनुष्का शर्मा आश्रम आए थे। चर्चा इस बात की है कि अनुष्का ने अनंत बाबा को नरेंद्र नगर स्थित होटल में बुलाया है। सुबह से शाम तक बड़ी संख्या में लोग आश्रम पहुंचकर अनंत बाबा से विराट और अनुष्का की सगाई को लेकर पूछते रहे, लेकिन अनंत बाबा ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। अनुष्का और विराट की सगाई के बारे में दूर में रहने वाली अनुष्का की दादी को भी कोई जानकारी नहीं है। नैशविला रोड निवासी अनुष्का की दादी उर्मिला शर्मा ने बताया कि उन्हें सगाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है।